नमस्कार मॉर्निंग बॉस को स्वागत करुछि मु स्मृति लग्ना प्रथमे हेडलाइंस राज्य रे पुणि 10000 पार दैनिक संक्रमण 24 घंटा रे 10982 पॉजिटिव खोर्धारु सर्वाधिक 1539 सेपटे देश रे कमुछि संक्रमण प्रारंभिक ट्रेंड कहिला केंद्र स्वास्थ्य विभाग आजठ तेलंगाना रे 10 दिना लॉकडाउन कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी सरकार को पदक्षेप सका 6-10 भितर कटकणा कोहल जरूरी सेवा को अनुमति G7 बैठक रे शामिल हेबेनी प्रधानमंत्री मोदी बढ़ुवा कोरोना संक्रमण को नहीं जोग न देवा को निष्पत्ति जून 11-13 भितर ब्रिटेन ने बसव मीटिंग आजठ मैट्रिक परीक्षार्थी नंबर जांच 15 तारीख पर्यंत चलो प्रक्रिया निज निज छात्र छात्री नंबर जांच करे ना से ही स्कूल शिक्षक एवं राज्य में आहरी दुई दिन काल बैशाखी पाणीपा केन्द्र पक्षर विभिन्न जिला को येलो वार्निंग 30-40 किलोमीटर बेगर बहब पवन आज पुणि बढ़ पारद संपूर्ण खबर को आसीबा राज्य रे पुणि 10000 पार कला दैनिक संक्रमण गत 24 घंटे आउ 10982 पॉजिटिव चिन्हट होईछंती खोरधारु पुणि सर्वाधिक 1539 जन आक्रांत चिन्हट होईछंती सुंदरगढ़ 964 कटक 885 अनुगुल 539 संबलपुर 454 जन संक्रमित चिन्हट होईछंती ए 5 जिल्ला रु 4381 जन नुआ आक्रांत चिन्हट होईछंती आजर पॉजिटिव केस रु 40% आक्रांत ए 5 जिल्ला रु आसीछंती सेबळे भाबरे गत 24 घंटा भितरे महामारी नेछि 17 जन को जीवन गतकाली गोटिए दिन रे 49191 नमूना परीक्षा करा जाएछि राज्य में वर्तमान सुधा आक्टिव केस संख्या 98230 रही एप्रिल मासरे राज्य में मोट 113591 संक्रमित चिन्हट होता बेले 118 जनकर मुंड नेइथिला महामारी मात्र मे मासरे 11 दिन में राज्य 111041 संक्रमित चिन्हट होता बेले 178 जनकर मृत्यु हो सारी ए बाबद्र अधिक सूचना पाई दिव्यज्योति फोन लाइन ने जोड़ी होती दिव्यज्योति जेभली भाव में कोरोना पिक लेवल रे अछि एवं 10000 ऊपर दैनिक राज्य रे संक्रमितों को संख्या सामना को आसुछि कोन अधिक अपडेट रहुछि आपन को पाखरे देखंतु स्मृति लग्ना निश्चित भाव लगातार भाव में 5 दिन हेबो 10000 पार ट्रेंड देखा जा परे ओडिसा रे गतकाली एथरे ब्रेक लागितला किंतु गोटे दिन परे आज फोन थरे ओडिसा रे 10000 पार ट्रेंड सामना को आसिछि एवं जदियो तीन दिन पर टेस्टिंग संख्या सरकार बढ़ाई गत 8 तारीख में देखिए टेस्टिंग संख्या 50000 पार करता तीन दिन हेबो ये संख्या धीरे धीरे कमी आसला गत काली 46241 टेस्टिंग होता ये 24 घंटा भितर 49191 टेस्टिंग कराई अर्थात टेस्टिंग संख्या को सरकार बढ़ाई अंपटे सब गुरुत्वपूर्ण कथा हूँ मृत्यु संख्यार ब्रेक लगुनी आज 70 जन जीवन नहीं महामारी यहाँ मिसाई राज्य में वर्तमान केवल मे मस 178 जन जीवन जा सारा सर्वमोट डेथ संख्या देखिए 2232 जन वर्तमान सुधा राज्य में कोरोना जनित मृत्यु संख्या होती जदि मे मस संक्रमित संख्या देखिए 111041 जन संक्रमित बर्तमान आमना को मे मस केवल जिते कि एप्रिल मस संख्या 113591 सत्य कौन पिक आड़क आम जाऊे और पिक धारा हुए तो आहरी 15-20 दिन चलिए बोली जहाँ विषय आकलन करोटे सब बड़ कथा हूँ आप देखिए आज जो केस सामना को 10982 केस सामना को आर केवल 5 जिले में रही 40% केस जहाँ सब चिंताजनक विषय जो 5 जिला रही आपको से 5 जिलार बरण देवा चाहिए खोर्धारे 1539 रही सुंदरगढ़ में 964 रही कटक 885 अनुगुल 549 और संबलपुर 454 यही 5 जिले में 40% केस सामना को आसी सबुठ बड़ कथा हूँ गत काली जो केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय सांबादिक सम्मेलन कराला से समय गोटे चित्र सामना को आसला जे देश में जिते बड़े 15 सहर से चिंताजनक स्थिति रोचे 2 सप्ताह धरी ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ुची ता भितर खोर्धा जिला सामिल होती अर्थात देश में 15 जिला भितर खोर्धा एकमात्र जिला आसुची जोटि ओडिशा सेठी 2 सप्ताह धरी लगातार भाव में संक्रमित संख्या बढ़ुची अंपटे गत काली मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते समीक्षा बैठक में 7 सूत्री मंत्र देखिए किभ कोरोना मुकाबला
ଏବଂ ସାତଶତୀ ମନ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ଉଠି ଯାଉଛି ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକରେ କିଭଳି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତକୁ ଭଲ ଚିକିତ୍ସା ମିଳିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ ନ ହେବାକୁ ପଡିବ, ସେ ଦିଗରେ ଯଥାସାଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠି ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୋଗୀଙ୍କ ପରିବାରକୁ କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ମିଳିପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଏ ସାତ ସୂତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ବାସ୍ତବିକତା କ'ଣ ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିବ, କେତେ ଦୂର ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ କିଭଳି ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଜ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ନଜର ରହିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସବିଶେଷ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦିବ୍ୟ ଆମର ରିପୋର୍ଟର ରହିଥିଲେ ଯିଏ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। ଦେଶରେ କମୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଦେଶରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଶରେ କମୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସୂଚନା। ଦେଶରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ମଗର କେସେସକୁ ଡେ ଅନ୍ ଡେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେ ତ ଏକ ଅର୍ଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଜୈସେ କି ଇସେ ପହେଲେ ଭି ହମନେ ଏକ ବାର ବାତ କି ଥି, ଏକ ଅର୍ଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହମ ଦେଖତେ ହୈ କି ଜୈସେ କି 7 ମଈ କୁ 4,14,000 କେ କରିବ କେସେସ ଦେଶ ମେ ଉସ ଦିନ ଆଏ ଥେ, ୱେ ଘଟତେ ଘଟତେ 4,03,000 କେସେସ କେ କରିବ करीब 9 तारीख को हमने देश में नोट किया। पिछले दो दिनों में एक डिक्लाइन इन केसेस नोट किया जा रहा है, जो कि 3,66,000 कल था, यानी कि पिछले उससे पहले 48-24 घंटों में था, जो कि घटकर 3,29,942 केसेस पिछले 24 घंटे में देश में नोट किया गया है। ଦେଶରେ 13ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ 1,00,000ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍, 6ଟି ରାଜ୍ୟରେ 50,000ରୁ 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ଏବଂ 17ଟି ରାଜ୍ୟରେ 50,000ରୁ କମ୍ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ରହିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କରିବ 12 ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସି ଥି ଯାହା ପରକି 1,00,000 ସେ ଅଧିକ ଆକ୍ଟିଭ କେସେସ୍ ଥେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଏକ ନଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ଉସମେ ଆଡ୍ ହୁଇ ହେ, ଯାହା ପରକି ଆକ୍ଟିଭ କେସେସ୍ କି ସଂଖ୍ୟା ମେ ବଢ଼ୋତ୍ତରୀ ନୋଟ୍ କି ଗଈ ହେ। ସାଥ ହି ଅଗର ହମ କେସ୍ ପଜିଟିଭିଟି କୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେଁ तो देखते हैं कि 26 स्टेट ऐसी हैं देश में जहां पर कि इन्फेक्शन का थोड़ा वाइडर स्प्रेड नोट किया गया है, दैट इज कि वहां पर पॉजिटिविटी 15% से अधिक है। 5 से 15% पॉजिटिविटी वाली स्टेट्स 6 हैं और लेस देन 5% पॉजिटिव वाली स्टेट्स 4 स्टेट्स हैं देश में। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଦୈନିକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହା ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଦେଶରେ କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଯେପରିକି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ତା ସହିତ ତେଲେଙ୍ଗାନା ତଥା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ, ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର, ଲଦାଖ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂକ୍ରମଣ ମାମଲା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏକ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଆଇଦର କେସେସ୍ ମେ ପ୍ଲାଟୋଇଂ ଅର୍ କେସେସ୍ ମେ ଏକ କମି ହୋତେ ହୁଏ ଦିଖାଇ ଦେ ରହା ହେ, ତୋ ୱେ नंबर ऑफ स्टेट जहां पर कि ऐसा एक ट्रेंड दिखता था उसमें हमने थोड़ी बढ़ोतरी महसूस की है। करीब 18 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज देश में ऐसी हैं जहां पर या तो एक प्लेटोइंग इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड या एक डिक्रीज नोट किया जा रहा है, जिसमें मुख्यतः महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, बिहार, गुजरात और ऐसे ही मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड जैसी स्टेट्स हैं जहां पर कि हम पाते हैं कि या तो केसेस की ग्रोथ जो है वह है उसमें थोड़ी कमी पाई गई है या उसमें एक रिडक्शन नोट किया गया है। ସେହିପରି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, କେରଳ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ଓଡ଼ିଶା, ପଞ୍ଜାବ, ଆସାମ, ଜମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଏପଟେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରା ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ଦେଶରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ 17,50,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଜିଠୁ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ 10-ଦିନିଆ ଲକ୍ଡାଉନ୍। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯାଇଛି ପଦକ୍ଷେପ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ 10ଟା ଭିତରେ କଟକଣା କୋହଳ କରାଯିବ। ଲୋକମାନେ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ କିଣିପାରିବେ, ତେବେ କଟକଣା ଭିତରେ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂକ୍ରମଣରେ ରୋକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେଠାକାର ସରକାର ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
देशर सबुठ बड़ जनबहुल राज्य उत्तर प्रदेश रे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरंभ करिछंती कोविड महामारी मुकाबलार अभिनव प्रयास। हाउस टू हाउस बा डोर टू डोर बुली प्रति घर कोविड संक्रमित चिन्हट करने गठन कर स्वास्थ्यकर्मी मॉनिटरिंग टीम देश में प्रथम ए उद्यम को प्रशंसा कर विश्व स्वास्थ्य संगठन। कोविड मुकाबला योगी प्रशासन नियारा प्रयास। उत्तर प्रदेश में आरंभ हो डोर टू डोर कोविड टेस्ट। ग्रामांचल आरंभ हो अभिनव प्रयास। प्राय 98,000 गाँ बुलिबे मॉनिटरिंग टीम। देश में प्रथम थर होता यह उद्यम को विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रशंसा। देशर सबुठ बड़ जनबहुल राज्य उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरंभ करिछंती कोविड महामारी मुकाबलार अभिनव प्रयास। हाउस टू हाउस बा डोर टू डोर बुली प्रति घर कोविड संक्रमित चिन्हट करने गठन कर स्वास्थ्यकर्मी मॉनिटरिंग टीम। दिल्ली एवं महाराष्ट्र भली उत्तर प्रदेश मध्य कोविड द्वितीय लहरी द्वारा अधिक प्रभावित हो ग्रामांचल अपेक्षा सहरांचल में बेसी संक्रमित चिन्हट होता बेले एवं ग्रामांचल को मध्य व्यापी संक्रमण। राज्यर ग्रामांचल को किपरि शीघ्र कोविड मुक्त करहेबो सेथिपाई योगी प्रशासन एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नहीं। योजना अनुसार राज्य में थिबा प्राय 97,941 गाँव घर को घर बुली आक्टिव केस सबको मॉनिटरिंग करुछंती टीम। जो मानकर कोविड लक्षण रही सेमानकर परीक्षा करा सहित रोगी का आइसोलेशन कंटाक्ट ट्रेसिंग एवं आवश्यक हेले चिकित्सा सेवा जोगाइबार कार्य करुछि मॉनिटरिंग टीम। जो माने घरे रही चिकित्सित हो पारे सेमानों को मेडिकल किट जोगाई दिया सहित कोविड मैनेजमेंट परामर्श दिया जाउछे। केवल से नुहे जो माने संक्रमित होना से टीका नेबा उत्साहित करने सहित कोविड समय रे किपरि निजकु संक्रमण मुक्त रखिहेबो से बाबद सचेतनता सृष्टि करुछंती टीम। एथिपाई राज्य स्वास्थ्य विभाग तरफ 141,610 जन स्वास्थ्यकर्मी को काम लग जा बेले कार्य तदारख करने को 21,242 जन सुपरभाइजर को मुतयन कर। उत्तर प्रदेश सरकार का फलप्रद प्रयास को ट्वीट जरिया भूरी भूरी प्रशंसा कर विश्व स्वास्थ्य संगठन। यह मध्य उत्तर प्रदेश में दैनिक संक्रमण हार ठू आरोग्य हार बढ़ी जमापड़े। कोविड मुकाबलें उत्तर प्रदेश मॉडल देशर अन्य राज्य में ग्रहण करागले खूब शीघ्र संक्रमण नियंत्रण को आसीपारंता बोली चर्चा हो। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज। ब्रिटेन रे आसंता मासरे हेबाकु थबा G7 बैठक रे सामिल हेबे नाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एने विदेश मंत्रालय पक्षरु सूचना दिया जाइछि। देशरे बढ़ुथबा कोरोना संक्रमण को दृष्टि रे रखी G7 बैठक रे जोग न दबा पय निष्पत्ति नेछेंति प्रधानमंत्री मोदी को। ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को द्वारा G7 बैठक पय स्वतंत्र भाबे आमंत्रण करा जाइतिला किंतु देशरे एबे कोरोनार प्रकोप रहिछि तेनु प्रधानमंत्री बैठक रे सामिल होई परिबे नाही बोली विदेश मंत्रालय पक्षरु कहा जाइछि। आसंता मास जून 11-13 भितरे ब्रिटेन रे G7 बैठक अनुष्ठित हेबो। कोरोना काल में कांग्रेस नेता नकारात्मक राजनीति प्रसंगे दलर अंतरीण अध्यक्षा सोनिया गांधी को बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चिट्ठी। नड्डा कहते दलर किसी लोक भल कम करुवा बेले आउ कि महामारी विरुद्ध बीजेपी लड़े को परिहास करमती लोक देशर टीका को उपहास कर आश्चर्य नुहे दुखित कर नड्डा। से भाई केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र कहते महामारी विरुद्ध लड़े समय कांग्रेस दोमुहा चेहरा स्पष्ट हो जाएगी। महामारी संकट रे कांग्रेस नकारात्मक राजनीति भारतीय टीका को नहीं परिहास कांग्रेस नेता। कांग्रेस नेता आभिमुख्य को नहीं सोनिया को नड्डा चिट्ठी। देश कोरोना भली विश्व महामारी विरुद्ध लड़े करुवा बेले कांग्रेस भूमिका को नहीं प्रश्न बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कांग्रेस किसी वरिष्ठ नेता कि मुख्यमंत्री लोकों भितर विभ्रांति सृष्टि करने द्वंद्व बढ़ाऊँ। एमती कि लोक अच्छा जो मैंने देश में तैयारी होता वैक्सीनेशन को परिहास कर महामारी संकट में कांग्रेस एभली नकारात्मक राजनीति आश्चर्य नुहे दुखित कर नड्डा कहते। गत वर्ष जितेबाला देश में वैज्ञानिक डाक्तर एवं उद्भावक माने टीका खोजापी दिन राति एक करी प्रयासरत थिले सेतेबेले कांग्रेस नेता माने एही प्रयास को परिहास करबा को कोनसी सुजोग छाड़ी नथिले।
एबे भारत रे तयारी होइतबा टीका को नै गर्व करबा परिवर्ते परिहास करछन्ते माने देशरे प्रथम पर्याय रे प्राथमिकता भितरे राज्य मानको 16 कोटी रो अधिक टीका जगाइ दिया जायछि जहाकि आखिदृश्य सफलता वर्तमान सुधा मोट टीकार 50% मागणा रे दिया जाउछि जो राज्य गुड़िक बीजेपी किंबा एनडीए सरकार अच्छी से गरीब व वंचित लोकों मागणारे टीका जोगाई देवा निष्पत्ति कांग्रेस शासित राज्य समान निष्पत्ति नहीं पारे कि प्रश्न करिछंती नड्डा जेपी नड्डा चिठी परे कांग्रेस को टार्गेट करिछंती केंद्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आज सूचना जुगरे साधारण जनता आखिर किसी भी लुचि पार ना कोविड विरुद्ध लड़े बेले कांग्रेस दोमुहा चेहरा सामना को आसी कोरोना काल में कांग्रेस राजनीति को नहीं दुख प्रकाश करिछंती केंद्र मंत्री ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज वीडियो कले शव संस्कार कोरोना संक्रमित रोगी को परिवार लोक दाह करने को भय करुवा बेले प्रशासन पक्षर कि स्थान में अंतिम संस्कार कर देखा मिली एभल एक घटना देखा मिली बीर महाराजपुर ब्लक अडाल गाँव में गांवर भामा जाल नामक महिला तीन दिन पूर्वे कोरोना पजिट चिन्हट होते गत काली सका मृत्यु होता मात्र पर लोके अंतिम संस्कार शव ने आसी नथिले बीर महाराजपुर विडीओ मोतीलाल सुलिया सहित सहकारी जंत्री विनीत लाक्रा ब्लॉक कर्मचारी साइडा मिश्र संजय दास प्रमुख निकटस्थ श्मशान घाट में भामा शव दाह करते प्रशासनिक अधिकारी एभली एक कार्य को विभिन्न महल रे प्रशंसा करा जाइछि कोरोना आक्रांतों शव पोड़ा को नहीं उत्तेजना देखा मिली मयूरभंज ठाकुरमुंडा ब्लॉक सुनारीपोषी गाँव में कोरोना आक्रांत वृद्धा शव पोड़ा को नहीं उत्तेजना शव पोड़ापी जाता विडीओ तहसिलदार चिकित्सा अधिकारी घेरी स्थानीय लोक ठाकुरमुंडा गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में जड़े कोरोना आक्रांत वृद्धा मृत्यु होता यहाँ प्रशासन पक्ष सुनारीपोषी गाँ निकट जंगल निकट को शव सत्कार करने कि स्थानीय अंचल शताधिक महिला पुरुष ठेंगा बाड़ी धरी प्रशासनिक अधिकारी घेरिबा सहित शव सत्कार करने को मना कर फल घटनास्थल में उत्तेजना सृष्टि होता पोखरी नवीकरण को नहीं गांवर दुई गोष्ठी मुहांमुही 10 रु ऊर्ध आहत होती पूरी पिपिली ब्लॉक कंटी ग्राम पंचायत में पोखरी नवीकरण कार्य को नहीं गोष्ठी संघर्ष देखा मिली कंटी पंचायत पात्र साही गांव पोखरी नवीकरण कार्य को नहीं दुई गोष्ठी भितर हाताहाती परिस्थिति सृष्टि होता जो उभय पक्षर 10 रु ऊर्ध व्यक्ति आहत पंचायत पात्र साही संखुआ पोखरी को मॉडल पोखरी कर स्थानीय प्रशासन पक्ष निष्पत्ति बेले निम्नमानर कामर अभियोग आने गोटे गोष्ठी यहाँ विरोध कले निर्माण कार्यर फोटो उठाइले जहाँ पोखरी कार्य करुवा गोष्ठी लोके विरोध करते उभय गोष्ठी भितर बद बढ़ी घटना एत बढ़ी जे हाताहाती पर्यंत गला उभय गोष्ठी पक्षर पिपिली थाना लिखित आकार अभियोग होता बेले जड़े अटक थी सूचना सेपटे उक्त गाँव में आईन श्रृंखला परिस्थिति को दृष्टि में रखी पिपिली आईआईसी गौरांग चरण पृष्ठ पुलिस मुतयन कर आज आरंभ हो मैट्रिक परीक्षार्थी नंबर जांच प्रक्रिया आसंता 15 तारीख पर्यंत यह प्रक्रिया चलो जांच पर दशम परीक्षार्थी नंबर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्य कार्यालय में दाखल करा महामारी कोरोना संक्रमण को दृष्टि रखी मे 3 तारीख मैट्रिक परीक्षा बातिल कर दिया जाइछि मैट्रिक परीक्षार्थी नवम 2टी परीक्षा दशम 3टी परीक्षार नंबर को विचार कर मूल्यायन एवं फल प्रकाश कर बोर्ड पक्ष 2677 मेन्टर स्कूल चयन कर
राज्य आउ दुई दिन काल बैशाखी राज्यर विभिन्न स्थान में काल बैशाखी वर्षा हेबो घड़घड़ी वर्षा सहित पवन बहब 30-40 किलोमीटर बेगरे पवन बहबार संभावना गजपति रायगड़ा जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही आसंता दुई दिन पाणीपाग केन्द्र पक्षर येलो वार्निंग जारी कर आरब सागर में सृष्टि होइपारे 2021 प्रथम बात्या आसंता मे 14 सकाळे दक्षिण पूर्व आरब सागर उपरे लघुचाप सृष्टि होइपारे 16 तारीख सुधा पूर्व मध्य आरब सागर में यह बात्यार रूप नेपारे परे अधिक घनीभूत हो उत्तर पश्चिम दिगरु आग को बढ़िपे जहाँफल मे 14 तारीख रु 16 तारीख भितर केरल तामिलनाडु महाराष्ट्र समेत अन्य किछि राज्य में प्रबल अति प्रबल वर्षार संभावना रही 2021 प्रथम बात्या हेबो लघुचाप बात्यार रूप नेबा यार ना तौक्ते रहिबो तबे एही ना म्यांमार तरफ दिया जाइछि वर्षर प्रथम बात्या संभवतः मे 20 रे उत्तर गुजरात कच्छ दे अतिक्रम करिबो सिमिलपाल जातीय उद्यान रे माई हाथीर मृत्यु मयूरभंज जिला सिमिलपाल व्याघ्र संरक्षण प्रकल्पर जातीय उद्यान रेंजर कोर एरिया रे एक माई हाथीर मृत्यु घटिथिबा जनापड़ी हाथीर बयस पाखापाखि 40 वर्षर ऊर्ध हेब पांच दिन पूर्वे वन विभाग कर्मचारी पेट्रोलिंग करुवा समय हाथीटी असुस्थ अवस्था जानवाक पाई प्राणी चिकित्सकों खबर दि जा चिकित्सा चली किंतु असुस्थ हाथीटर किडनी पुज जमी जाता बेले सेप्टिसेमिया रोग से आक्रांत थिबा जना पड़ा जो मृत्यु होता नहीं कहते वन विभाग अधिकारी मॉर्निंग बॉस को रखा विदाय दिंतु नमस्कार।